हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये रैक स्टेयरिंग है, आप देख सकते हो इसके पार्ट्स हैं। तो गाइस, इसमें रैक बुश होता है, ये रैक बुश है गाइस इसका, ये ख़राब हो गया, इसमें हम नया डाल रहे हैं। तो गाइस, जब रैक बुश ख़राब हो जाता है तो स्टेयरिंग में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है जब गाड़ी खड्डे में चलती है, तो हम इसमें ये नया डालेंगे। वीडियो आने तक देखना, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस, सबको उसको क्लीन कर लेना अच्छे से, वो हमने कर लिए। तो उसमें रैक बुश डाल रहे हैं, तो आप देखना ध्यान से गाइस, पहले इसमें रैक बूस्ट लगाएंगे तो रैक बूस्ट इजीली बैठ जाएगा। तो रैक बूस्ट बैठा लिया हमने इसमें। अब दोस्तों, इसमें अच्छे से ग्रीस करनी है आपने, तो अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने इसमें। अब दोस्तों, इसमें रैक फिट करेंगे। तो गाइस, ये इसका रैक है, इस पर भी अच्छे से ग्रीस कर लें आप। तो अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने इस पर, तो अब इसे फिट करेंगे दोस्तों। तो इसकी बॉडी को सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद गाइस, रैक को अपने राइट साइड से डालना है, ये राइट साइड है। राइट साइड से हमने रैक को डाला और चोट मार के इस साइड से बाहर निकाल लिया दोस्तों। तो एक्स्ट्रा ग्रीस हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो उसमें प्लेन ही है अब इस साइड, जहाँ बूस्ट डाला हमने। तो अब इसमें पिनियन डालेंगे दोस्तों, पिनियन फिट करेंगे इसका। तो ये इसका पिनियन दोस्तों, इस पर अच्छे से ग्रीस कर लें आप। तो अभी इसे फिट करते हैं। तो गाइस, इसके रैक के जो धंधे होते हैं वो आपने सेंटर में रख के फिट करने हैं, वो हमने सेंटर में कर लिए। और इसे अच्छे से प्लास की मदद से घुमा घुमा के नीचे बिठा दे, ये बैठ गया दोस्तों। तो इसमें अच्छे से ग्रीस लगाएंगे, इसकी कैप लगाएंगे इसके ऊपर, ये इसकी कैप है, कैप नट होता है दोस्तों ये, इससे लॉक हो जाएगा पिनियन। तो अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके लॉक करेंगे इसे, और इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे रैंच की मदद से। तो इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अच्छे से टाइट हो चुका है दोस्तों। अब इसमें टेंपल पुश फिट करेंगे। तो गाइस, ये टेंपल पुश है इसका, इस पर भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे आप, और इसे फिट करें। फिर इसके बाद दोस्तों, इसमें स्प्रिंग फिट करें। तो स्प्रिंग डाल लिया, अब इस पर नट लगाएंगे दोस्तों, और ये टेंपल बुश को लॉक करेगा। तो दोस्तों, लेफ्ट साइड की प्ले जो होती है वो बुश से ख़त्म हो जाती है, और जो राइट साइड की प्ले है दोस्तों, वो टेंपल बुश से ख़त्म होगी। तो हमने टेंपल बुश लगा लिया है। अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे दोस्तों, एडजस्ट करेंगे इसको, प्ले भी ख़त्म करेंगे इसकी। प्ले होने के कारण दोस्तों, ये वाज करेगा, इसलिए प्ले ख़त्म करनी पड़ेगी इसके अच्छे से। तो आपको इसको पहले घुमा के चेक कर लेना है, और उसके बाद में क्या करना है, टेंपल बुश को टाइट करना थोड़ा। और तो उसमें थोड़ी प्ले लग रही है, चेक कर लेते हैं, प्ले है दोस्तों थोड़ी सी इसमें। तो इसे टाइट करेंगे, डैम्पल बुश को टाइट करेंगे थोड़ा। तो कर लेते हैं डैम्पल बुश टाइट। तो थोड़ी की चोट मार के दोस्तों, आप डैम्पल बुश को टाइट कर लें अच्छे से, और फिर चेक करें दोस्तों घुमाकर। तो अब ठीक लग रहा है दोस्तों ये। अब घुमाने में भी ठीक है दोस्तों ये। तो डैम्पल बुश को लॉक कर देंगे अच्छे से, और रेंच की मदद से इसे टाइट करेंगे दोस्तों। तो आपको इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, ढीला नहीं रहना चाहिए दोस्तों ये। तो अब इस पर दोस्तों वाल जॉइंट लगाएंगे, जो रैक एंड होते हैं वो लगाएंगे दोस्तों इस पर अब। तो दोस्तों, ये इस पर आर लिखा है, ये राइट साइड का है, तो इसे लगाते हैं, और इसे अच्छे से टाइट करेंगे दोस्तों। तो राइट साइड का हमने लगा लिया दोस्तों, अब लेफ्ट साइड का लगाएंगे दोस्तों। ये लेफ्ट साइड का दोस्तों, इस पर एल लिखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये लिखा है दोस्तों इस पर एल। तो इसे भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो आपको उसको टाइट कैसे करना है मैं बता दूँ दोस्तों, उसको टाइट अच्छे से कैसे करना है। जो राइट साइड का वॉल जॉइंट है दोस्तों, आपको उसको बॉन्ग के अंदर फिट करना है, आप देख सकते हो। और जो लेफ्ट साइड का है दोस्तों, उसको रेंच से टाइट करना आपने। इससे क्या होगा दोस्तों, दोनों टाइट हो जाएंगे और बराबर टाइट होंगे दोस्तों। तो आपको ऐसे ही टाइट करने हैं, तो ऐसे दोनों टाइट हो जाएंगे दोस्तों बराबर। इस पर बराबर जोर लगाए, और अब दोस्तों उस पर बूट लगाएंगे, और उस पर स्ट्रिप लगाएंगे बूट पे। तो उसके बूट लगा लेते हैं, और उसको लॉक करते हैं अच्छे से।
तो हम छोटी वाली साइड क्लंप लगा रहे हैं दोस्तों, और जो बड़ी वाली साइड है वहाँ पे स्टिप लगा रहे हैं। स्टिप पे इसे अच्छे से लगा कर टाइट करेंगे, तो इसे कर लेते टाइट। तो टाइट हो गई, अब इसका काट देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो काट देंगे दोस्तों। तो दूसरी साइड भी दोस्तों आपने सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे भी स्टिप और क्लंप लगाना है, और उसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो गैस इसका आपका जो इसके बूट होते हैं उसका आपने खास ध्यान रखना है, ये फटने नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये फट जाएंगे इसमें पानी चले जाएगा, और उसके कारण दोस्तों इसमें रैक और पिनियन ख़राब हो सकते हैं, और आपको फिर ये चेंज करना पड़ेगा, तो आप खास ध्यान रखें। तो स्टीयरिंग हमारा कंप्लीट है, अब इसे घुमा के चेक कर लेते हैं। तो अब ये देख सकते हो दोस्तों तैयार है, रेडी है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों।